आज रोशन रही जो कि मघी के सिंगर हैं आपके पास आए हैं, इनका विवाद बहुत दिन से चल रहा है सोशल मीडिया पर लगातार किरण सिंह के साथ, क्या कहेंगे, क्या कुछ समस्या है इनको लेकर? देखिए, आज सबसे पहले एक नई परंपरा चली है और परंपरा ये है कि लड़का और लड़की में यदि प्रेम प्रसंग की कोई बातें होती है, क्या सत्य क्या असत्य, कोई किसी अपने माँ बाप से पूछ कर या इजाज़त लेकर इस तरह की हरकतें नहीं करता है। लेकिन एक नई परंपरा चली है कि लड़का लड़की में अपने मन से प्रेम प्रसंग की बात होता है और ज़बरदस्ती फिर जो है सो घर पर घुस कर रहने की बातें लड़कियों में खास करके एक प्रथा चली है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लड़कियाँ गलत हैं या लड़का गलत है, सवाल ये है कि ये जो परंपरा चल रही कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं यहाँ रोशन रोही की बात हो या फिर यहाँ पर किरण की बात हो, ये लोगों का व्यक्तिगत जीवन है और व्यक्तिगत जीवन में यदि आपने कुछ ऐसी हरकत की है तो वो आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको उसके माँ बाप, समाज, गाँव, उन लोगों के बीच में जाकर आप जलील करते हैं उनके माँ बाप को, तो ये कौन सी व्यवस्थाएं आ रही है? और कुछ लोग बिना सोचे समझे कि इस तरह की व्यवस्थाओं का समाज पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा, एक का देखा देखी दूसरा, दूसरा का देखा देखी तीसरा, तो यदि इस तरह की हरकत को यदि कोई भी लोग यदि इसको प्रमोट कर रहे हैं तो उनके भी घर पर कोई कल को बैठे, इस बात में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पहले होता था, कुछ काम जब होता था तो छुप कर होता था, एक लोक लज्जा समाज का लिहाज होता था, आजकल उस लिहाज और उसको जो एक सलीका होता है उसको लोग ताक पर बेखौफ हो गया है, उसको कोई किसी चीज़ का डर नहीं रह गया है और एक पैटर्न चल गया है कि लड़की है लड़का के घर पर ज़बरदस्ती बैठा दो, क्या मैटर है, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। अब लड़का ही ऐसी परिस्थिति में अपने आप को पीछे रखने लगा है कि इज्जत है, समाज है, प्रतिष्ठा है, पहले लड़कियां अपनी इज्जत आबरू यदि कोई दुख बात कह भी देता था तो बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि आज तक मीडिया में आपने देखा होगा कि रोशन जी का इस तरह का कोई बयान नहीं है, लेकिन लगातार अभी कानूनी तौर पर अब ये सब परंपरा, मैंने कहा कि सामाजिक दृष्टिकोण से ये कमज़ोर है, अभी जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से धमकी देते हुए कि मैं घर पर जा रही हूँ, वहाँ पर रहूँगी और वहाँ पर जाकर हो हंगामा की खबर इनको मिली जिस पर इन्होंने FIR करवाया है, तो उसमें सवाल ये है कि आपको जानकारी के लिए ये इनके व्यक्तिगत केस के वजह से नहीं, चूँकि ये समाज में इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग आजकल प्रेम प्रसंग हो गया, लड़का लड़की में को अनबन हुआ, लड़की ज़बरदस्ती बिना शादी के घर में घुस गई, कुछ संगठन के लोग भी उनके सपोर्ट में रहते, बहुत जगह कानूनी जानकारी के अभाव में इस तरह की बातें हो रही है, हर चीज़ के लिए व्यवस्थाएँ हैं। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, और जो लोगों को धारा और सेक्शन का ज्ञान नहीं है वो लोग इस तरह की हरकत को ज़्यादा अंजाम देते हैं, तो यदि आप घर पर घुस के जाते हैं किसी के घर में तो हाउस ट्रेसपास का या हाउस ब्रेकिंग ट्रेसपास का यदि मामला होता है और जान मारने की नीयत से, हमला करने की नीयत से या कोई अन्य विधि से आप जाते हैं तो 449 धारा जो है IPC का, तो हाउस ट्रेस पास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, यदि जान मारने के लिए जाते हैं इसमें तो आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। उसके बाद आप यदि 450 लगता है हाउस ट्रेस पास का तो 10 वर्षों तक का सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी सजा है। तो किसी भी कीमत में वो जो हरकत कर रहे हैं, यदि किसी के घर पर बिना उनके इजाज़त के यदि आप चले जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, तो वो अपराध है। जब तक कि कानूनी तौर पर आपको वहाँ के जो लोकल कोर्ट है या जो भी एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो आपको अधिकार नहीं देता है, तब तक आप किसी भी के घर में नहीं घुस सकते, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। माना कि यदि रोशन रोही जी का कोई संबंध था, प्रेम प्रसंग की मामला थी, मान लिया भी जाए, तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से आप आदेश लेकर जाइएगा कि 4-5 आदमी आप किसी को इकट्ठा करके घर में घुस गए, लूटपाट मचा दिए, आ गए, तो इससे क्या होगा, कैसी परंपराएं बनेगी? सर एक सवाल है, रोशन रोही आज आपके पास आए हुए हैं, रोशन रोही पे किरण सिंह का आरोप है कि 2 साल ये उनके साथ रहे, उनको शादी का वादा किए, तरह तरह के वादे किए, आज 2 साल उनके साथ रहने के बाद उनको छोड़ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो बातें आपने कहा है ये अभी मेरे पास डिस्कशन के लिए आया कि ये एक तरफा बातें हुई कि उसका ये इल्जाम है, अब इनका भी क्या पक्ष है वो बातें तो अपने ये रखेंगे मीडिया के सामने। अभी मैं इस इशू पर इनसे बात करूंगा, इनके निजी चीज़ों को मैं सार्वजनिक तब तक नहीं करूंगा जब तक कि हम को ये बात बोले, सारा चीज़ हम समझेंगे, फिर मुझे जो लगेगा सार्वजनिक होने लायक बातें वो करेंगे, चूँकि इन लोगों के बीच में निजी संबंध यदि कुछ रहा है तो उसको ज़रा डिस्कशन करके वो करेंगे। हालांकि जो यदि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, यदि आप विश्वासघात करेंगे तो आपको परिणाम भी भोगना पड़ेगा, वो एक अलग फैक्टर है।
रही बात, आप लोगों को लगा होगा कि ये मेरे पास है, मैं इनका केस ले लिया, ये क्या, वो चीज़ वो नहीं है। जब तक मैं सारे तथ्यों को, संदर्भों को मैं समझता नहीं, तब तक केस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस केस के बहाने मुझे ये चीज़ समाज को, चूँकि मेरा हमेशा समाज मेरे जहन में होता है, गलत हो रहा है तो उसका कैसे एक उदाहरण न बन जाए, उस दृष्टिकोण से मैंने आप लोगों को इनके केस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया कि तीन चार घटना मैंने अभी यूट्यूब पर देखा कि लड़की पहुंच गई लड़का के घर पर, माँ बाप परेशान है, तो वो लोग केस नहीं करते हैं। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उसके लिए भी सेक्शन लगा हुआ, आजीवन कारावास का सजा है यदि आप किसी के घर पर बिना इजाजत के उसके घर पर घुसते हैं और हमला करते हैं तो। आप ये रोशन रोही आए हैं कि इनके घर पे लोग पहुंचे हैं, इस चीज का मामला लेकर आए हैं। इनका एलिगेशन है कि इनके घर पर घुसकर लूटपाट मचाया गया, इनके पिताजी और इनके परिवार वालों के लोगों पर हमला किया गया। अब ऐसे परिस्थिति किसने मचाया है ये? अब ये तो भाई नेम आप बचने, अभी अभी उस पर वो FIR जो किए हैं जिन लोगों के विरुद्ध, तो FIR का उन्होंने आवेदन जो दिया है वो सारा चीज जब सार्वजनिक हो जाएगा तब आप लोगों को बता दिया जाएगा। किरण गई हैं और उनके साथ कुछ लोग जो लोग भी अवैध मजमा बनाकर जाएंगे तो कानूनी तौर पर उनके विरुद्ध भी जो है सो नाम दिया जाता है, उनके खिलाफ भी केस इन्होंने किया है कि कुछ लोग मजमा बनाकर अवैध वसूली के नाम पर और धमका कर, पहले होता था देखिए शादी पहले होती थी पकड़ुआ विवाह, कि यदि लड़का नौकरी में है लड़का नामी है तो पकड़ के जबरदस्ती शादी कर ली जाती है, तो पकड़ुआ विवाह पर अब थोड़ा सा अंकुश लगा, लेकिन धमकौआ विवाह चल रहा है कि धमकी दो। केस का धमकी भी दो तरह का होता है, एक बंदूक दिखाकर धमकी होता है, एक होता है केस मुकदमा का नाम का दिखाकर धमकी देना। तो आजकल बहुत सारे लड़के या समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको ये धमकी देकर कि तुम्हारा इज्जत खराब कर देंगे, हम सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर देंगे, तुम्हारे घर पर आ जाएंगे, इस तरह की परंपरा का धमकी दिखाकर धमकौआ विवाह कहते हैं, विवाह का धमकी दिया जाता है। इस तरह की वारदातें समाज में बढ़ती चली जा रही है और उसी आलोक में देखेंगे कि अनेकों वारदात आपको मिला। एक सवाल आपसे ऐड कर लेते हैं इसमें, उन्होंने आपने कहा कि नाम वाम है, FIR हो रहा है, कौन कौन सी धारा लगी है या लगेगी और उसमें कितनी सजा है, क्लियर कर दिया। देखिए 449 है धारा जिसमें आजीवन कारावास का सजा है, आपको मैं बता दूं उसके बाद 450 है जिसमें हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसमें भी आजीवन कारावास का सजा है 449 450 मैंने बताया। इसके अलावा जो है जो एक से अधिक व्यक्ति यदि वहां पर जाते हैं तो 457 है, यदि उस तरीके का जो बहुत सारे लोग गृहीय असर्ट करने के 459 है, घायल जो हैं चोट लगाए गंभीर चोट पहुंचा है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण धारा जो एक से अधिक है 460 धारा कहता है कि यदि बहुत सारे लोग मिलकर मजमा बनाकर किसी के घर पर पहुंच जाते हैं ऐसे परिस्थिति में उनको 10 वर्षों तक का सजा का प्रावधान है, जो अन्य व्यक्ति सहयोगी होते हैं जो साथ में गए। साथ में तो ये तो स्पष्ट हो गया कि लड़का के या परिवार वाले के इजाजत के बगैर, ये भी बात उनके ही बयान से स्पष्ट होता है कि अभी शादी हुई नहीं, तो शादी नहीं हुई तो आप घर में घुसने का कैसे गए, और घर में किसके, ये ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो वो रोशन रोही का घर नहीं है, वो इनके खानदानी घर है, उसमें इनके पिताजी का अधिकार है, इनके भाई का अधिकार है, इनके बहन का अधिकार है, तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में आप किस हैसियत से जा रहे हैं, और वहाँ यदि होता है तो उन लोगों को पूरा अधिकार होता है कि जो लोग भी प्रभोग कर रहे हैं उनको उकसा रहे हैं या उसमें समर्थन कर रहे हैं कि जल्दी घुस जाओ, कानून को अपने हाथ में लो, तो उस उन लोगों पर भी जो है इस तरह के सेक्शन का इक्वल इफेक्ट होता है। इसीलिए समाज में जो है सो कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने का इजाज़त नहीं है जी। यदि कोई गलत किया है तो उसके लिए आपको भी थाना है, कोर्ट है, आप जाइए, ये भी कोर्ट में फड़ जाएंगे। रोशन रोही को लेकर महिला थाने में आवेदन या FIR भी की गई है किरण सिंह के द्वारा इन सभी मुद्दों को लेकर, तो अभी तक इस तरह की जानकारी हम लोगों को नहीं है, वो डायरेक्ट बिना कानून के ही वहाँ पर पहुँच रहे कहीं से ना कोई और। हम लोग खबर लगातार चला रहे हैं, पहले दिन वो महिला था। आपको जानकारी के लिए बता दें अभी तक कोई FIR नहीं है, यदि आप लोग को जानकारी है तो गलत है, इनके खिलाफ आज के डेट में कोई आवेदन दिया गया। अब वो क्या दिया गया वो आप लोग जानिए, अभी तक आज के डेट में कोई ना आवेदन का इनको जानकारी है, FIR नहीं हुआ है, इसको रिकॉर्ड हम लोग जब भी FIR होता है एक कॉपी पहुंचती है कोर्ट में संबंधित न्यायालय में, वहाँ हम लोगों ने चेक करा लिया, अभी तक आज के डेट में इनके ऊपर कोई FIR नहीं। काउंसलिंग के लिए इनको भी डेट दिया गया था महिला थाना से, लेकिन इसकी बात की यदि काउंसलिंग की डेट दी गई तो काउंसलिंग पर ये उपस्थित थे, वो जो पीड़िता है वो वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। रोशन रोही जी, आप पे आरोप बहुत सारे लग रहे हैं कि आप धमका रहे हैं सामने वाले को, केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कहेंगे इस पे? नहीं, सर बोलेंगे।
अच्छा कौन कौन आपके घर पहुंचा है ये तो आपको पता होगा। नाम मुझे नहीं पता है। घर से क्या फोन आया, क्या बताया गया आपको? घर से फोन आया कि पटना से कुछ लोग आए हैं, महिला मतलब साथ में, लड़की के साथ में। हाँ, बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे, गाली गलौज, हंगामा पे कर रही है जाकर आपके गाँव पे। जी जी, जोर जबरदस्ती भी किया गया, कुछ मारपीट का हमला। अच्छा, क्या क्या हुआ है? और हमला भी किया है। अच्छा, मतलब भाई पे, छोटे भाई पे, आपके छोटे भाई पे। ठीक,